हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे हेली शाई स्टाइल हाईलो कुर्ती। सो गाइज, ये यूनिक कुर्ती डिज़ाइन हमने सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से बनाया है। एंड इस कुर्ती को आप अम्ब्रेला प्लाजो के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। इवन आप इसको इस तरह से जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, या फिर अपनी पसंद की कोई भी लेगी ट्राउज़र पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। सो गाइज, इस कुर्ती को कॉलेज गोइंग गर्ल्स, ऑफिस गोइंग गर्ल्स एंड लेडीज़, और इस्पेशली वो लेडीज़ भी पहन सकती हैं जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये जो कुर्ती का टमी वाला पार्ट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। सो प्रेगनेंसी में भी आप इसको आराम से पहन सकती हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। अब देखिए, ये मेरी कुर्ती का मेजरमेंट है। आपको अपना मेजरमेंट इसी तरह से रेडी करना होगा, एंड देन जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी होगी। एंड ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर एक्सपोर्ट जॉर्जेट लिया है। सो गाइज, ये जो जॉर्जेट है इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं होगी, काफ़ी इसका हैवी मटेरियल है। अब मैं आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर मैंने किनारे वाली साइड से कपड़े को डबल फोल्ड किया है, एंड डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारे फैब्रिक की लेंथ है वो 40 इंच है, यानी ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। इसके बाद देखिए, हम इसका अरस देखेंगे। तो जहाँ से धागे निकलते हैं, ये वाली साइड अरस वाली साइड होती है, यानी इसकी विड्थ है। सो जो एक्सपोर्ट वाला फैब्रिक होता है उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी है 58 इंच, यानी 60 इंच में 2 इंच कम है। अब सबसे पहले हम कुर्ती का बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए किनारे वाली साइड से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको मैंने 16 इंच पर फोल्ड किया है। तो बस्ट का 4th पार्ट यानी चेस्ट को हमने चौथाई करना है, एंड उस चौथाई में हम 6 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैंने 16 इंच पर इसको फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, आगे की तरफ हमारा जो अरस में कपड़ा है वो मैंने 25 इंच इस तरह से आगे की तरफ निकाल दिया है। तो ये 25 इंच की जो लंबाई वाला फैब्रिक है ये हमारी कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट में आएगा। अब हमने अपनी बैक वाले पार्ट की लेंथ लेनी है, तो हमें जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे, और आगे भी इसको हमने सीधा मार्क कर लेना है। तो मैंने 38 इंच पर मार्क किया है। अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसमें चारों तरफ पिन लगा लेनी है और इसको कट कर लेना है। सो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब आगे की तरफ ये हमारा ये जो फैब्रिक है यहाँ से भी कट कर देंगे, एंड यहाँ खुली तरफ जहाँ भी मुझे ज़रूरत होगी मैं पिन लगा दूँगी, ताकि जो मेरा फैब्रिक है 16 इंच पर मैंने इसको फोल्ड किया है ये इधर उधर ना भागे। अब आगे की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देंगे, और यहाँ से भी इसको सीधा करके निकाल लेंगे। अब ये 25 इंच जो हमारी विड्थ है कपड़े की और 2 मीटर लंबाई है, ये हमारी कुर्ती का फ्रंट वाला घेरा बनेगा। एंड इस वाले फैब्रिक में से हम अपनी कुर्ती के लिए स्लीव बनाएंगे, और फ्रंट का जो टॉप पार्ट होगा वो बनेगा। तो पहले स्लीव की लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं। तो मैंने स्लीव की विड्थ 9.5 इंच ली है, और जो इसकी लेंथ है वो 21.5 इंच है। 20 इंच पर इसकी लेंथ रेडी हो जाएगी। अब हमने अपनी सिंपल स्लीव को कट कर लेना है इस तरह से। स्लीव कट करने के बाद आगे की तरफ जो फैब्रिक बचा है ये हमारा फ्रंट का टॉप बनेगा, तो इसमें से हम फ्रंट का टॉप बनाएंगे। अब देखिए, ये वाला फैब्रिक हमने सबसे पहले निकाला था, इसकी जो चौड़ाई थी वो हमने 16 इंच ली थी और लंबाई 38 इंच। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब जो स्लीव में से हमारा फैब्रिक बचा है इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, और अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेना है। सो आगे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, ये हमारा नेक में यूज़ होगा। अब इसको हम अच्छे से सेट करके रख लेंगे, फोल्डेड साइड एक तरफ रहेगी। एंड जो इसकी लेंथ है वो 14 इंच है, और जो विड्थ है वो लगभग हमने 12 इंच ले लेनी है, यानी बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। इसके बाद यहाँ बैक वाले पार्ट की जो विड्थ है वो 16 इंच ली है हमने, और जो इसकी लेंथ है वो 38 इंच ली है। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे जो है 7 इंच, और 1/2 इंच हम कंधे डाउन करेंगे इस तरह से, और मार्क कर देंगे ऊपर की तरफ। अब हमने आर्महोल की लेंथ लेनी है। सो यहाँ इंची टेप रखेंगे और नीचे की तरफ 7 इंच पर सीधा मार्क करेंगे, और 1 मार्क ऊपर सीधा कर देंगे। अब यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 9.5 इंच पर मार्क करूँगी, और आगे की तरफ हम लगभग 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद अब हमने अपनी यहाँ से कमर की लेंथ लेनी है जो 15 इंच है।
अब 15 इंच पर हम अपने वेस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच, और आगे की तरफ इसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमने दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइनअप करना है। तो ये फिटिंग वाली मार्किंग है और ये हमारी कटिंग की मार्किंग है। इसके बाद देखिए कमर की साइड से जो मार्जिन वाला मार्क है इसको हमने इस कॉर्नर पर इंची टेप को तिरछा करके रखना है और ए लाइन शेप में मार्क कर देना है। अब नीचे से लगभग 2.5 इंच पर हम कुर्ती के घेरे की गोलाई देंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है इसके शोल्डर पर हम इंची टेप रखेंगे और 11 इंच की लेंथ पर एक मार्क करेंगे। तो इस मार्क को हमने फिटिंग की साइड में मिलाना है, यानी गोलाई देते हुए हमने जहां हमारी कमर की ये वाली मार्किंग है यहां लाकर मिला देना है। तो ये मार्क को हमने गोलाई देते हुए फिटिंग की साइड में मिला लेना है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ तक हम इसको कट कर देंगे। अब देखिए हमने आर्म होल की शेप नहीं दी है, तो इसके बाद हम बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। सो फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की। इसके बाद हम कंधी डाउन करेंगे और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे एंड आगे की तरफ जो हमने मार्जिन छोड़ा है इस पर नीचे तक कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद जो नीचे कुर्ती की गोलाई हमने मार्क की है 2.5 इंच पर उसको भी कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट का जो टॉप पार्ट निकाला था उसके बाद भी हमारा थोड़ा फैब्रिक बच गया था, सो इसमें से हम अपने नेक की स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो फैब्रिक को पहले हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद फोर फोल्ड कर लेंगे एंड इसकी फोल्डेड साइड को हम कुर्ती की फोल्डेड साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे। इसके बाद हम नेक की विड्थ लेंगे जो मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप नेक की लेंथ और विड्थ अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद नेक की लेंथ हम बैक नेक की लेंथ 5 इंच ले लेंगे और फ्रंट नेक की लेंथ 6 इंच ले लेंगे। नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करके हम यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। अब देखिए मैं फ्रंट और बैक के जो नेक है उनकी लेंथ बराबर रख रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इनकी जो लेंथ है वो 5 इंच ले रही हूँ। आप दोनों नेक की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम नेक की जो स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच लेंगे और पूरे राउंड में इसको कट कर लेंगे। तो लीजिए नेक की जो स्ट्रिप है वो कट हो गई है और ये हमने 2 स्ट्रिप एक साथ कट की हैं जिनकी लेंथ और विड्थ बराबर रखी है। इसके बाद देखिए जो हमारा फ्रंट का घेरा रहेगा उसकी जो लेंथ और विड्थ थी वो हमने पहले ही निकाल ली है। सो इसकी जो लेंथ थी वो 25 इंच थी, तो ये जो इसकी चौड़ाई है वो 25 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर है। अब जो चौड़ाई है 25 इंच वो कुर्ती की लेंथ हो आएगी इस तरह से, और जो लंबाई है 2 मीटर वो इस तरह से चौड़ाई में आएगी। सो ये जो लंबाई है 2 मीटर की इसको हमने डबल करना है इस तरह से। तो अभी ये हाफ है, इसके बाद इसको हम डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसको सिलने के बाद कट करके निकाल देंगे। अब देखिए हमने जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है उसमें एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है, सो पहले वो कर लेते हैं एंड कटिंग करने के बाद हम अपना नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए फैब्रिक को यानी कपड़े को हमने सीधी तरफ ऊपर रखना है। इसके ऊपर हम अपनी स्ट्रिप की रॉन्ग साइड रखेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा कर अपना नेक फिनिश कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम अपना अपना बैक वाला नेक भी रेडी करेंगे। तो इसकी राइट साइड ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर स्ट्रिप रखकर नेक को सिल लेंगे। सो गाइज इस तरह से हमने जो अपना नेक है वो रेडी कर लिया है। ये बैक वाला नेक है और ये हमारा फ्रंट वाला नेक है। अब हमने दोनों की कंधी ज्वाइन करनी है। सो बैक नेक की पट्टी अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है, वो कंधी ज्वाइन होने के बाद होगी। तो इस तरह से हम इसकी कंधी ज्वाइन कर लेंगे, मार्जिन 1/2 इंच का लेंगे और बैक नेक की पट्टी को हम फ्रंट में ओवरलैप करते हुए दोनों कंधियों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। कंधी ज्वाइन करने के बाद अब हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है। सो जो हमारी मार्किंग थी, एक्स्ट्रा हमने मार्जिन छोड़ा है 1.5 इंच का, उसको कवर करते हुए मार्किंग हमने की है और इसकी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो ये फिटिंग सिर्फ यहाँ तक होगी, इसके बाद सिलाई को टर्न कर लेंगे और ऊपर ले जाएंगे। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी साइड में भी फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए फिटिंग वहीं तक करनी है जहाँ तक हमारा कुर्ती का फ्रंट वाला टॉप पार्ट है। तो ये फिटिंग हमारी सिर्फ यहीं तक ही आएगी। सिलाई में स्टार्टिंग को और एंड में अच्छे से लॉक कर देंगे 3 से 4 सिलाई लगाकर इस तरह से। तो ये सिलाई हमारी डबल हो गई है और अच्छे से लॉक भी हो गई है।
तो हमारी कंदी भी लग चुकी है और फिटिंग भी हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी स्लीव रेडी करेंगे। तो पहले आप चाहें तो फिटिंग लगाने से पहले भी स्लीव लगा सकते हैं और इस तरह से फिटिंग लगाने के बाद भी इसकी स्लीव लगा सकते हैं। अब बैक नेक की पट्टी हमने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की थी, तो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम एक पैर का दबाव लेते हुए बैक नेक में ये सिलाई लगा देंगे। इससे बाद में हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हमने अपनी स्लीव की मोरी फोल्ड करनी है, तो यहाँ पर जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम अपनी स्लीव की मोरी में फिटिंग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 4.5 इंच पर स्लीव की फिटिंग लगा रही हूँ। सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे। इसके बाद जो हमारी स्लीव का आर्म होल है उसको हमने अपनी कुर्ती के आर्म होल के बराबर रखना है, जिसके लिए हमने अपना कुर्ती का आर्म होल इस तरह से पकड़ना है यहाँ से, और इसकी जो चौड़ाई है दोनों की बराबर इस तरह से रखेंगे और यहाँ लाकर हम इसकी फिटिंग लगा देंगे। अब स्लीव को सीधा करेंगे और दोनों के जो आर्म होल के एक्स्ट्रा कटिंग है वो एक दूसरे को फेस होनी चाहिए। तो कुर्ती रॉन्ग साइड में और स्लीव राइट साइड में, इस तरह से हम दोनों की सिलाई वाली साइड यानी फिटिंग वाली साइड को आमने सामने रखते हुए यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई का जो मार्जिन रहेगा वो 1/2 इंच रहेगा। अब पूरी गोलाई में स्लीव को कुर्ती के आर्म होल के साथ इस तरह से सिल देंगे। अगर हमारे दोनों आर्म होल बराबर रहेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी फैब्रिक कम ज़्यादा नहीं होगा और जो फिटिंग वाली सिलाई है वो जस्ट एक दूसरे के सामने आएगी इस तरह से, एंड दोनों के जो सेंटर हैं ऊपर कंधे के वो भी एक दूसरे के सामने आएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव को लगा लिया है। स्लीव लगाने के बाद जो हमारी कुर्ती का फ्रंट वाला घेरा होगा जहाँ से हाई लो बनेगा वो वाला पार्ट हमने जॉइंट करना है। तो उसके लिए देखिए, ये हमारी कुर्ती रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है यानी ये उल्टी साइड है। अब हमने वो वाला पीस लेना है जो यहाँ जॉइंट करेंगे। तो ये 25 इंच की जो इसकी चौड़ाई है ये लेंथ बनेगी और 2 मीटर की जो लंबाई है ये चौड़ाई बनेगी। तो 2 मीटर की लंबाई के साइड से हमने इस तरह से एक साइड से मिलाकर रखना है, तो दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर। अब यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। सो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये वाले पार्ट को हमने इस तरह से एक ही साथ जोड़ना है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ ये दिखा रही हूँ कि ये जो इसकी सिलाई है कुछ इस तरह से होगी। तो सिलाई करने के लिए चलिए मशीन पर चलते हैं। और ये कुर्ती का हमने एक साइड ले लिया है यानी बैक वाला पार्ट है, इसके ऊपर अब हम अपना हाई लो वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की साइड राइट साइड अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, और यहाँ से हम 1/4 इंच का दबाव लेंगे। सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे और अब हमने इसको सीधा सीधा ऊपर तक सिलते जाना है। सो जहाँ हमारी कमर की फिटिंग है वहाँ आकर रुक जाना है। सो रुकना हमें ये देखिए यहाँ तक है। सो इसके ऊपर ही हम मार्क कर देते हैं। तो ये सिलाई यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए, जो हमारा फ्रंट का ये टॉप पार्ट है जिसमें हमने गोलाई वाली कटिंग की थी, यहाँ से इसको मिला कर रखना है। तो जहाँ हमने सिलाई छोड़ी है वहीं से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। अब इस चीज़ को आपको ध्यान से करना है, अगर आप यहाँ ये वाला पॉइंट अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके झोल भी आ सकता है। अब इस पॉइंट पर आकर देखिए, हमारा टॉप पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब यहीं लाकर हम सिलाई को पक्का करके निकाल देंगे। इसके बाद अब हमने बैक वाले पार्ट के साथ इसको जॉइंट करना होगा। तो फिर से हमने वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ से जहाँ पर हमने सिलाई को एंड किया है। तो यहाँ भी सिलाई को हम अच्छे से पक्का करेंगे इस तरह से। अब हमने नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा सिल देना है। तो यहाँ का दबाव हम लगभग 1/4 इंच लेंगे और इसको निकाल देंगे। सो गाइस, इस तरह से हमने देखिए सिल दिया है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। तो पहले ये देखिए कि यहाँ से हमने जॉइंट करना स्टार्ट किया था और इसको आगे तक घुमाते हुए इस साइड में लाकर इसको सिल दिया है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको यहाँ से चेक कर लेंगे, जो भी लेंथ आएगी डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से सीधा कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, कुर्ती बनाने के बाद भी हमारा इतना फैब्रिक बच गया है, एंड उसके बाद भी थोड़ा और फैब्रिक है जो कटिंग में से निकला था। सो इतना फैब्रिक हमारा 2 मीटर में से बच गया है। अब हमने कुर्ती का जो घेरा है वो फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए किसी भी एक कॉर्नर से कपड़े को 1/2 इंच डबल फोल्ड करेंगे और एक ही सिलाई के साथ पूरा घेरे को हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे।
और इसी सिलाई के साथ हमारी जो कुर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ एड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसी के साथ आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।